फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जिसमें हम लिए हैं 1 केजी गाजर कद्दूकस करके, दूध 1/2 केजी, पिस्ता, काजू, घी, चीनी। अब हम गैस ऑन कर लिए हैं और एक पैन ले लिए हैं। अब जिसमें हम डालेंगे घी, तीन चम्मच लगभग हम घी डाले हैं। अब घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। हम अपने घर का घी यूज किए हैं, वो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो यूज करें, या तो मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं। डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक ढक के पका लें, ताकि अच्छी तरीके से ही थोड़ा सीज जाए। इसको बीच बीच में देखते रहना है कि मेरा कितना कुक हुआ। गाजर का जब सारा पानी गाजर से अलग हो जाएगा, तो समझिएगा कि आपका पूरी तरीके से कुक हो गया है। फिर हम इसको ढक देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी गाजर 70% कुक हो गया है। हम शुरू से गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे हैं। अब हम इसमें दूध डालते हैं। दूध डाल के भी 10 मिनट हम पका लेंगे। आप इसमें मेवा मेवा मलाई का यूज कर सकते हैं। हम जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर लगे तो आप कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। आप देख सकते हैं दूध डालने के बाद कलर कितना अच्छा आया है। दूध डालने के बाद हम 10 मिनट ही कुक किए हैं। अगर 10 मिनट से ज़्यादा करते हैं तो ओवर कुक हो जाएगा। इसके बाद हम चीनी डालते हैं। चीनी भी इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगी। आप अपने स्वाद या टेस्ट के अनुसार चीनी यूज करें। हम 200 ग्राम यूज कर रहे हैं। और चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही पकाना है। इसको हम पूरी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं मेरा गाजर का हलवा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब एक बॉल में हम इसको डालेंगे। गैस बंद कर देते हैं। बॉल में हम डाल चुके हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। देखिए, हमने काजू और बादाम रखे थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।